सौतेली काली बेटी के लंबे बाल। प्रकाश की पहली शादी अवनी से हुई थी, जो कि छोटी सी अंबिका को जन्म देने के बाद चल बसी थी। उसकी देखभाल करना प्रकाश के लिए आसान नहीं था, इसीलिए वो कुछ ही महीनों बाद ऐश्वर्या नाम की लड़की से शादी कर लेता है। ऐश्वर्या बहुत घमंडी थी, फिर भी उसने प्रकाश के कहने पर अंबिका का ख्याल रखा, उसे अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन जब वो खुद गर्भवती होती है तो वो अंबिका से अपना ध्यान हटा लेती है और अपनी बेटी पारुल के आने के बाद बस अपनी बेटी का ही ख्याल रखती थी। अरे मेरी राजकुमारी, ले खिचड़ी खा ले, अब तो मेरी बेटी के छोटे छोटे दांत भी आ गए हैं, है ना मेरी पारुल बेटी? शक्ल में तो बिल्कुल तुम पर गई है ऐश्वर्या पारुल बिटिया। पापा मम्मा, मैं छोटी बहन के साथ खेलूं? नहीं नहीं, तुम पारुल से दूर रहो, काली हो, पता चले मेरी गोरी सी बेटी को भी तुम काला कर दो। अरे ऐश्वर्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 5 साल की बच्ची से कोई ऐसे बातें करता है क्या? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अंबिका बेटी की तरह मेरी बेटी काली हो जाए, इसीलिए मैं बस थोड़ी दूर रखना चाहती थी। अरे पागल हो तुम, तुमने इसे पाला है तो क्या तुम काली हो गई थी क्या? कैसी बातें करती हो तुम भी ऐश्वर्या। पापा, क्या मैं अपनी छोटी बहन को गोदी में नहीं ले सकती? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ले सकती हो तुम, आओ सोफे पर बैठ जाओ ऊपर पैर करके। ये कलोटन समझती क्या है खुद को, इसकी परछाई तो मैं अपनी गोरी बेटी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगी। फिर प्रकाश अपनी बड़ी बेटी अंबिका को छोटी सी पारुल गोद में देता है। दोनों बहन खिलौने से आपस में खेलने लगती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है, प्रकाश की दोनों बेटी बड़ी हो जाती हैं। ऐश्वर्या के साथ साथ अब पारुल भी अंबिका से नफरत करने लगती है, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ उसके बाल भी बड़े और खूबसूरत हो जाते हैं। अंबिका काली थी और सौतेली भी, इसीलिए ऐश्वर्या प्रकाश के पीछे उस पर अत्याचार करती थी और घर के सारे काम उससे ही करवाती थी, जिस वजह से अंबिका डरी और सहमी हुई रहती थी। फिर एक दिन प्रकाश अपनी दोनों बेटियों के लिए घड़ी लेकर आता है। ये पापा आ गए। अरे पापा, आप कुछ लाए हो, जरा दिखाओ। हाँ हाँ, दिखाता हूँ पारुल बेटा, जल्दी से आओ, तुम दोनों के लिए कुछ है। क्या लाए हो पापा? देखो, तुम दोनों के लिए महंगी वाली घड़ी लेकर आया हूँ, बस कलर अलग है ताकि तुम लड़ो नहीं। वाओ, ब्लैक वाली घड़ी मेरी है। नहीं पापा, ये मेरी है, मुझे पसंद आया है ये वाला कलर। नहीं पापा, ब्लैक कलर की घड़ी मुझे पसंद है, ये बहुत क्लासी लुक है, और वैसे भी इस कलूटन पर काली घड़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इसके काले हाथों पर दिखेगी ही नहीं, मैं गोरी हूँ, मुझ पर अच्छी लगेगी। पारुल बिटिया ठीक कह रही है, आप ये घड़ी पारुल को ही दे दीजिए, वैसे भी अंबिका के हाथ पर वाइट वाली घड़ी अच्छी लगेगी और उसके काले हाथों पर दिख जाएगी। माँ, मैं काली घड़ी पारुल को ही दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार ऐसा क्यों बोलती हैं? हम जैसे लोगों की जिंदगी नहीं होती क्या? पारुल मेरी छोटी बहन होकर मेरे साथ ऐसा करती है, बाहर मेरा मजाक उड़ाती है। क्या पारुल, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अंबिका के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, और ऐश्वर्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अपनी बड़ी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मैं नहीं चाहता कि दोनों में सौतेला व्यवहार दिखे। पापा, आप इसके मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाओ, ये तो चाहती है कि आप मुझे डांटो मारो, ये सब कह कर मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करते, सारा प्यार बस अंबिका को ही करो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है पारुल बेटा, मैं तुम दोनों से बराबर का प्यार करता हूँ। अरे मैं भूल गया था अंबिका बेटा, तुम्हारे बाल बड़े हैं ना, मैंने देखा था कल क्लेचर टूट गया था, ये लो तुम्हारे लिए क्लेचर का पैकेट लाया हूँ, तुम्हारे लंबे बालों में अच्छा लगेगा। तुम दोनों घड़ी अपनी पारुल को दे दो। ली पारुल, और ये दो क्लेचर भी तू ले ले, मैं क्या करूंगी इतने सारे का। तू अपने आप को ज्यादा मत बन, समझी? पापा, आप उसके लिए दो दो चीज लेकर आए, और वो भी इसके लंबे बालों के लिए, मेरे तो लंबे बाल है नहीं, आपको बस अपनी काली बेटी ही पसंद है, मैं तो पसंद ही नहीं हूँ आपको। रोते हुए पारुल अपने कमरे में चली जाती है। खुश हो गए आप अपनी बेटी को दुखी करके, और तू काली कलूटी, तू तो सौतेली है और वही रहेगी। ऐसा बोलकर ऐश्वर्या पारुल को मनाने चली जाती है। माँ, एक तो वो काली है, ऊपर से उसके लंबे बाल, मन तो कर रहा है उसके बालों को जला दूं। चिंता मत कर तू,
ऐसा चाहती है तो मैं यही करूंगी उस सौतेली बेटी के साथ, कलूटी कहीं की। अगले दिन प्रकाश ऑफिस चला जाता है। तब देर से खाना लाने पर ऐश्वर्या को गुस्सा आता है और रसोई में जाकर अंबिका के बालों को पकड़ लेती है। क्यों रे कल्लो माई, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है या पैरों में लगवा कर बैठी है? घड़ी में 10 बज रहे हैं और तूने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। अभी बताती हूँ, ज्यादा ही अपने लंबे बाल लहराती रहती है ना, निकम्मी कहीं की। आह माँ, माँ मा, मुझे बालों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज माँ मेरे बाल छोड़ दीजिए, मेरे बाल नाजुक हैं, टूट जाएंगे। देख रहे हो मम्मी, आपको भूख लग रही है तो खाना खाने में देर हो गया, ऊपर से अपने बालों की पड़ी है इसको, किसके बाल टूट जाएंगे। अभी तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ मैं। आह माँ, माँ मुझे सच में बालों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस आपका खाना ला ही रही थी, छोड़ दीजिए मुझे। लंबे बालों वाली चुड़ैल, छोड़ दिया तुझे मेरे लिए, साथीली बेटी को कितना भी अपना बना लो ना, रहती वही है। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। रोती रोती अंबिका टेबल पर दोनों माँ बेटियों के लिए खाना लगाती है। फिर शाम को ऐश्वर्या उसे रंगोली बनाने के लिए कहती है तो वो रंगोली बनाने लग जाती है। पागल हो गई है क्या, मैं उसके बाल जलवाना चाहती हूँ और आप उससे रंगोली बनवा रही हैं, आपको प्यार हो गया है क्या उससे? ओफो पारुल, मैं तो उसके बाल जलाने की तैयारी खुद ही कर रही हूँ। जा तू दिए उसके बालों के आसपास रख दे, रंगोली बनाते बनाते जल जाएंगे उसके सारे बाल। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये सुनकर पारुल अंबिका के बालों के पास दिए रख देती है और 2-4 दिए रंगोली पर सजा देती है। उसके बाल जलने ही वाले होते हैं पर वो उठकर चली जाती है। ओफो, ये लंबे बाल वाली सौतेली बेटी तो बच गई। कोई बात नहीं, अब इसके शैम्पू में ऐसा मिलाऊंगी कुछ कि ये टकली हो जाएगी। ये बोलकर दोनों माँ बेटी अगली सुबह उसके शैम्पू में कुछ केमिकल चीज मिला देते हैं, जिसके लगाने के बाद अंबिका टकली हो जाती है और खुद को शीशे में टकली देखकर बहुत रोती है। माँ माँ देखना ये क्या हो गया, मैं टकली हो गई, मेरे सारे बाल पता नहीं कहाँ चले गए, ये शैम्पू कैसा था, अब मैं क्या करूँगी। इतनी गंदी लग रही हूँ, वैसे भी मैं काली हूँ, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। अच्छी बात है ना, कोई लड़का बच जाएगा तेरे शादी करने से। बिल्कुल, क्योंकि डरावनी जो लग रही है इतनी। मेरे से तो अंबिका अब तू दूर दूर ही रही हो, टकली कहीं की, काली बदसूरत, अब अकड़ अपने लंबे बालों पर लगा ले क्लेचर, हम पापा वाला। ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में वो चली जाती है और अपनी माँ को याद करती है, प्रकाश को भी बताती है, प्रकाश उसे सहानुभूति देता है। 2 दिन बाद ऐश्वर्या का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे पैरालाइज बता दिया था। ऐसी हालत में अंबिका उसका बहुत ख्याल रखती है। पारुल को तो अपनी माँ की भी फिक्र नहीं थी, लेकिन अंबिका दिन रात उसके हाथ पैरों की मालिश करती है, जिससे उसके हाथ पैरों में हरकत होती है और 5 दिन बाद ही ऐश्वर्या ठीक हो जाती है। तभी प्रकाश के कहने पर डॉक्टर आकर चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, मैंने ऐश्वर्या के हाथ पैरों को हिलते हुए देखा है, अब वो पूरी तरीके से ठीक तो है ना? मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं जानता हूँ ऐसे केस में इंसान 5-6 महीने ठीक होने में लगा देता है, लेकिन ये 5 दिन का चमत्कार जरूर इनकी किसी ने हाथ पैरों की मालिश की होगी, ख्याल रखा होगा इनका। डॉक्टर, मेरी बड़ी बेटी ने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। अच्छी बात है मिसेस शर्मा, अब आप रोज पार्क में टहलना, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, और दवाई खाना, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद प्रकाश कहता है, देखा ऐश्वर्या, तुमने अपनी बड़ी बेटी को सौतेला समझा, उसको इतना सुनाया, डांटा, उसके बाद भी उसने तुम्हारी कितनी केयर करी, और पारुल तुम्हारे पास तक नहीं बैठी, तुम देख लो कि तुम्हारी सौतेली बेटी कौन सी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्रकाश जी, अंबिका बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तो टकली हो गई, पर मैं वादा करती हूँ तेरे पहले जैसे लंबे बाल ला कर दूंगी। अरे माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे भी माफ कर दे मेरी बहन, मेरे अंदर की आज सारी नफरत खत्म हो गई, तूने माँ की बहुत केयर करी है, मैं तो डर ही गई थी। अब बीती बातें छोड़ो, सब प्यार से रहेंगे। इसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और अंबिका पारुल मिलकर ऐश्वर्या का ख्याल रखते हैं। फिर दोनों बहनों की अच्छी जगह शादी हो जाती है।